Hello everyone, my name is Naman Sharma, and to all the aspirants who are appearing in this year UPSC prelims exam, all the very best. And you see, इस time पे I can understand आप लोगों को बहुत anxiety हो रही है, nervousness हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सब भूल चुके हैं, कुछ आता नहीं है. ये normal है, इतना ज़्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है. इस time पे ऐसा लगता ही है कि कुछ नहीं आ रहा और सबको लगता है, चाहे कोई first attempt दे रहा हो, चाहे कोई sixth attempt दे रहा हो. तो ज़्यादा stress नहीं लेना है, अपना एग्ज़ाम पे फोकस करो. और जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लेट्स से आप जीएस के पेपर में बैठे होंगे, तो मेक श्योर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा मत सोचना कि एग्ज़ाम निकलेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूँगा. इन चीज़ों पे नहीं. देखो, यूपीएससी एग्ज़ाम टफ है तो वो आपका पूरा फोकस मांगता है, इसीलिए वहाँ पर अगर आप इधर उधर अपनी एनर्जीज फोकस करेंगे वो पक्का नहीं निकलेगा एग्ज़ाम. तो इन सारी चीज़ों को साइड में रख के कि मेरा ये अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट है, निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है और मेक श्योर अपना अटेम्प्ट हाई रखो. मेक श्योर अराउंड 75 to 80 क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट करें. और आप जानते ही हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आता है वो सेक्शंस में आता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो सेक्शन मिला है, आपने यूपीएससी पेपर स्टार्ट किया और आपको पहले पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है. भगवान ना करे ऐसा हो, पर हो भी सकता है. दूसरे पेज पे कुछ नहीं आता है तो पैनिक नहीं करना है. अब देखिए, यू नो 45 to 50 क्वेश्चंस आपने अच्छे से करेक्ट कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो अगर आपको पहले एक दो पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आगे चलोगे तो आगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स भी आएंगे जो आप इजिली कर सकते हैं. सो ज़्यादा घबराना नहीं है, एंड कीप योर अटेम्प्ट हाई. एंड डोंट स्ट्रेस, डोंट फोकस कि ये होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना. और जब आपका जीएस हो जाए, उसके बाद जो आपका गैप होगा सीसैट पेपर से पहले, ज़्यादा इन चीज़ों पे नहीं कि क्वेश्चन ठीक हो गया कि नहीं, वो शाम को कर लेना आप आराम से. आराम से अपना खाना खुना खा के मेक श्योर यू आर फोकस्ड इनफ, क्योंकि सीसैट को भी आपको अच्छे से अटेंशन देनी है. आप जानते ही हैं पिछले साल सिर्फ 80,000 ही सीसैट क्वालिफाई कर पाए थे, तो इसीलिए अपना पूरा ध्यान सीसैट पे, और उसमें भी कोशिश करना अटेम्प्ट मिनिमम 45 तो हो, ताकि आपका सिलेक्शन ना रुके. राइट, सो डोंट वरी, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील टेंस एंड नर्वस इस टाइम के अंदर. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. ज़्यादा सोचिए मत, इतनी आपने मेहनत करी है, एग्ज़ाम अच्छा ही होगा. राइट, so once again, all the best to you.